हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो प्रखर सर, ये ना अब्दुल करीम करके ना 000 नीचे लिखा हुआ, लाइव नाव पे हूँ, पर यहाँ सामने मुझे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ कोई बच्चे भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है भाई, नहीं है। रिकॉर्ड कर लो एक बार, आप बताओ एक बार, मैं ट्राई करता हूँ। क्यों, कितने दिन तक ऐसे करूँगा यार? जीरो 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 जीरो, हाँ नहीं हुआ। उसे रिफ्रेश किया एक बार, हाँ कुछ नहीं हुआ। कर रहा हूँ, ये देखिए। हाँ एक बार ऊपर से गोले पे ये रिफ्रेश किया, ये देखिए। हाँ ओबीएस कर दिया है, ये देखिए ना, ये देखिए ओबीएस। हाँ वर्चुअल कैमरा स्टार्ट, वर्चुअल कैमरा भी किया है। नहीं वहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं, वहाँ पे मैं सीधे चला गया था। ऊपर नाम ये देखिए, हाँ यही है आज का लेक्चर। सर नेटवर्क की दिक्कत तो नहीं है? एंड लाइफ क्लास की, हाँ आप मेरे साथ रहिए तो एक बार मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है देखिए, अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, ये देखिए। हाँ बोलिए, राइट में गो लाइव लिखा होगा, राइट में गो लाइव लिखा है, हाँ 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 एडवांस सेटिंग में दोनों ऑप्शन चालू कर दो, एडवांस सेटिंग में दोनों ऑप्शन चालू कर दो, ये चालू कर दिया और हाँ कर दिया। टिक हटाओ, ये सेंड एसएमएस वाला टिक हटा दिया। गो लाइव नाउ कर दिया, ओबीएस कर लिया। हाँ हिल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम एग्जाम ओरिजिन्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार
एवं रंग कर्मियों के ऊपर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर पे हमने क्या देखा था? हेलो, हाँ सुनो, तुम बोलना नहीं, क्योंकि तुम जो बोलोगे वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है? हाँ तो बच्चे ज्वाइन करें ना करें, तुम्हें प्रॉपरली पढ़ाना है, क्योंकि हाँ अभी दो लोग आए हैं, ठीक है? ठीक है, आज हाँ के लेक्चर देख के शायद एक और लड़की एडमिशन लेगी, तो तुम डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि दो लोग हैं रिप्लाई नहीं कर रहे। तुम जैसे रिकॉर्डिंग में पढ़ाते हो वैसा पढ़ाते जाओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दम से पढ़ाओ, सब सही रहेगा। थोड़ा लेक्चर, चार पांच लेक्चर जाएंगे ना, तो लोगों को पता चलेगा कौन है अब्दुल सर, बस, ठीक है? अभी कोई नहीं जानता है। अभी तुम्हें भूगोल की वजह से क्या है ना, एक नेगेटिव इमेज बनी हुई, धीरे धीरे सुधार लोगे तुम, ठीक तो है, उसके लिए डिमोटिवेट मत होना। कोई ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, कई लोग, मतलब आप तुम समझो हमारे में 20 में से 8 लोग 9 लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है? अच्छा, चलो तुम पढ़ाओ, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर। ठीक है, जो हमारा पिछला लेक्चर था, जो हमारा पिछला लेक्चर था, ठीक है, पिछला लेक्चर था, उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने ये देखा था कि हमने कि हम मध्य प्रदेश के जितने भी व्यक्तित्व हैं, जितने भी व्यक्तित्व हैं, उन्हें कैसे पढ़ेंगे? जितने भी व्यक्तित्व हैं वो हम पढ़ेंगे, एक क्लास में हम पढ़ेंगे। हेलो, हेलो, OBS में स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी चालू कर देना। कर दिया हूँ भाई। ओके बाय। ठीक है, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। क्या पढ़ा है? जन जातीय जनजातीय व्यक्तित्व हमने क्या पढ़ा है पिछली क्लास में? मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार एवं रंगकर्मी। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा जो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, यहां से वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसके बाद कुछ अन्य बचेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, चाहे उनका संबंध कुछ अन्य क्षेत्र से हो, चाहे वो फिल्म जगत के हो, हम उनको एक अलग अलग व्यक्तित्व की एक क्लास लेंगे, वहां पे इन पूरे व्यक्तित्व को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार। आज हमें क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार। ठीक है, इन चित्रकारों से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वास्तव में चित्रकला है क्या, वास्तव में यह चित्रकला है क्या। जो चित्रकला है यह सभी कलाओं की, जितने भी जितने प्रकार की कला होती हैं उसमें से यह सबसे सूक्ष्मतम कला है, सबसे लघु कला है। सर, ये कला क्या होती है? ये आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, सर ये कला क्या होती है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जिस दिन हमने पहले लेक्चर में सिलेबस का डिस्कशन किया था, उसमें से जो तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश की कला, मध्य प्रदेश में कला एवं स्थापत्य। ठीक है, तो यहां पे ये जो ये शब्द आया कला, इसी कला का एक रूप है ये चित्रकला, इसी कला का एक रूप है क्या ये चित्रकला। ये चित्रकला क्या होती है? जो मानव होता है, जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, उसके मन में एक चिंतन होता है, एक उसके भावना होती है, एक मानव के मन में चिंतन होती है, उसकी एक भावना होती है, उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है क्या? चित्रकला। समझ में आया आपको? चित्रकला है क्या? जो मानव के मस्तिष्क में, मानव के मस्तिष्क में जो चिंता होती है, जो चिंता होती है, जो उसकी भावना होती है, उसे अभिव्यक्त करने का ही माध्यम है क्या? चित्रकला। ठीक है ना, और इस चित्रकला को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो उसका हम प्रदर्शन करते हैं रेखा और रंग के माध्यम से। रेखा मतलब लाइन, ठीक है, रेखा मतलब लाइन, ठीक है ना।
तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो चित्रकला होती है इसका हम अभिव्यक्त किस कैसे करते हैं, तो रेखा मतलब लाइन और रंगों के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका अभिव्यक्त करते हैं। वहीं पर जो एक प्रकार की क्या है, ये सूक्ष्म कला है। ये क्या है? सूक्ष्म कला। आपको मैं थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा अन्य कला क्या क्या होती है, जिससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, अन्य जो कला है वो क्या क्या होती है। आपको जैसे कला में आपने देखा होगा कास्ट कला, कास्ट कला, कास्ट मतलब होता है लकड़ी, कास्ट मतलब क्या होता है लकड़ी। ठीक है, तो क्या होता है लकड़ी पर हम क्या करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से हम उस पर एक चित्र को उकेरने का प्रयास करते हैं। आपने सुना होगा लकड़ी का मुखौटा, किसका, लकड़ी का। मुखौटा, ठीक है। यहां पे मैं अभी आपको बता रहा हूं कला, कला में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वास्तव में कला क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कला के एक रूप होता है मिट्टी शिल्प कला, मिट्टी शिल्प कला, मिट्टी शिल्प कला में आप क्या पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि अभी भी हम गणेश भगवान और दुर्गा जी के हम क्या करते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, वो कहां पे आ जाएगा, मिट्टी कला में। आपने देखा होगा कंघी कला, जो कि बंजारा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा गुड़िया कला, गुड़िया शिल्प कला, गुड़िया शिल्प कला में क्या होता है भाई, जो कि जो हमारे घर में जो वेस्ट कपड़े होते हैं, जिसे हम मतलब कि गांव की भाषा में चिंधियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिंधियां कपड़े। तो जो हमारे यहाँ जो खराब कपड़े या जो वेस्ट कपड़े जो बच जाते हैं, उनका उपयोग करके उनका उपयोग हम किस में करते हैं, गुड़िया बनाने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद मूर्ति शिल्प कला, मूर्ति शिल्प कला में क्या होता है भाई, हम धातु का प्रयोग करते हैं, तांबे और कांसे का प्रयोग करके हम मूर्तियां बनाते हैं। ठीक है, जो लोहा होता है उसका हम उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, बसुला बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ कलाएं होती हैं, और इसी कला का एक रूप क्या है, चित्रकला। ठीक है, अब हम देखते हैं वास्तव में ये चित्रकला क्या है। ठीक है, ये जो चित्रकला है, ये जो चित्रकला है, तो क्या इसका जन्म आज हुआ है? जी नहीं, इसका जन्म तो पाषाण काल से हो गया था। कब से हो गया था? पाषाण काल से, प्रागैतिहासिक काल से। जो चित्रकला का जन्म हुआ है वो प्रागैतिहासिक काल से हो गया है। सर ये तो आप अपने से बोल रहे हैं। जी नहीं, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, जो भीमबेटका की जो गुफाएं थी, जो भीमबेटका की जो गुफाएं थी, वहां से जो भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, उस समय से चित्रकला का क्या हो चुका था, आविष्कार हो चुका था। आपको पता होगा जो हमारा भीमबेटका है, क्या है, भीम बैठिका, भीम बैठिका है कहां, सर ये रायसेन में है। ठीक है, पहला पॉइंट। सर इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की वीएस वाकड़कर ने, वीएस वाकड़कर ने। सर इसका महत्व क्यों है भाई, ये पाषाण कालीन जो हमारी जो संस्कृति थी उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। कौन, भीम बैठिका, किसका, पाषाण कालीन संस्कृति का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहां पर किसके चित्र बनाए गए हैं, तो यहां पर मुख्यता से जो आखेड़, जो शिकार, क्योंकि जो पाषाण काल था वहां पर जो मुख जो एक जो गतिविधि थी वो थी आखेड़, अर्थात शिकार करना। ठीक है ना, तो आखेड़ करते हुए मनुष्य के चित्रण किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है भाई, पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, जो वहां का जो कृषक जीवन था उसका वहां पर चित्रण किया गया है। ठीक है, और इस चित्र को कहां पर उकेरा गया है, प्रस्तर पर, प्रस्तर मतलब पत्थर, सॉरी प्रस्तर मतलब पत्थर पर। ठीक है, तो पत्थर पर चित्र उकेरा गया है, और इस चित्र को उकेरने के लिए रंगों का प्रयोग किया गया है। किस रंग का, तो गेरू का। ठीक है ना, उसके बाद गेरू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भीमबेटका थी उस समय से क्या हुआ है, इस चित्रकला का विकास हुआ है। भीमबेटका के बाद आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, वो हो जाएगी हमारी आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है भाई, तो ये आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ है, होशंगाबाद में स्थित है। और भाई इससे भी यहां पर क्या है, गुफाएं हैं। इन गुफाओं की दीवारों पे अर्थात भित्ति चित्र किए गए हैं।
किसके, यही आखेट के, मानव मानव के, मनुष्य के, और उसके बाद पशु पक्षियों के आखेट करते हुए कुछ दृश्य वहां पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि भाई इस चित्रकला का विकास किस समय से हुआ है, तो हमने बोला भाई प्रागैतिहासिक काल से इस चित्रकला का विकास हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट, जो इस प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकला होती थी, कब, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में ये जो चित्रकला होती थी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये होती थी गुफाओं में। कहां पर होती थी? गुफाओं में। क्यों? क्योंकि उस समय का जो मानव होता था वो गुफाओं में निवास करता था, इसलिए ये जो मानव था वो गुफाओं में भित्ति चित्र करता था। पर जैसे 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 आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ, तो ये चित्रकारी गुफाओं से निकलकर नगरों में, नगरों के बाद कपड़ों में, कपड़ों के बाद बर्तनों में, सॉरी, बर्तनों में, बर्तनों से ये पहुंच गई आपकी भवनों में, और आज की जो चित्रकारी हमें देखने को मिलती है मुख्यतः वो कागजों में। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, जो ये चित्रकला है इसका विकास प्रागैतिहासिक काल से हो चुका था, और जो हम जो आज चित्रकला देखते हैं ये कागजों की चित्रकला है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चित्रकला के जो इतिहास से हमने कुछ देखा है कि कैसे चित्रकला का विकास हुआ है, और हम यहां देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों को। पर उसके पहले भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, इस साल का जो एमपीपीएससी हुआ है कब हुआ है? 25 जुलाई को। कब हुआ है? 25 जुलाई को। ठीक है, इस 25 जुलाई के एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन सिर्फ चित्रकारों से पूछे गए हैं। किससे? चित्रकारों से। सर ये कौन कौन से क्वेश्चन है? अब मैं आपको ये क्वेश्चंस बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, जो सेट डी था, कौन सा? सेट डी। सेट डी का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27। ठीक है, इस 27 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? क्या क्वेश्चन था? मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन थे वो थे नारायण श्रीधर बेंद्रे पहला, दूसरा था विष्णु चिचालकर, तीसरा था नाना साहेब पेंसे, और चौथा था अमृतलाल बेगड़ा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। मैं आंसर को डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे जो मध्य प्रदेश का संस्कृति वाला पोर्शन है, कला वाला पोर्शन है, उसका वेटेज कैसे धीरे 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 मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में बढ़ता जा रहा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इसी सेट डी का क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर सेट डी का 57, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर, कौन सा ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 57 है वो कौन सा है? निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो 27, दूसरा क्वेश्चन 57। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन था, जो तीसरा क्वेश्चन था श्री तीसरा क्वेश्चन है 69, 69। ठीक है, ये जो तीसरा क्वेश्चन था ये बोलता है, श्रीमती दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया कि कैसे मध्य प्रदेश के पेपर में, मध्य प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो हमारा सांस्कृतिक पोर्शन है, जो संस्कृति वाला पोर्शन है, उसका महत्व कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे किसमें, इस साल के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, और आगे आगे जिस तरीके से पैटर्न में परिवर्तन आ रहा, तो आगे भी और अधिक मात्रा में ये जो संस्कृति वाला पोर्शन एमपी का, वहां से आपको और अधिक मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो यहां पे अभी मैंने आपको तीन क्वेश्चन का डिस्कशन डिस्कस किया है, इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं चित्रकारों से संबंधित, या फिर साहित्यकारों से संबंधित, या फिर संगीतकारों से संबंधित, या फिर जनजाति व्यक्तित्व से संबंधित, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चित्रकारों इन चित्रकारों को और मध्य प्रदेश की चित्रकला को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की, ठीक है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है, जो हमारे चित्रकार हैं उनको हम, जैसे ये मध्य प्रदेश के चित्र, ये है मध्य प्रदेश के चित्रकार, ठीक है, मध्य प्रदेश के चित्रकार, हम इन मध्य प्रदेश के चित्रकारों को दो श्रेणियों में पढ़ेंगे। कितने श्रेणियों में? दो श्रेणियों में, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक सामान्य चित्रकार है और एक हो जाएंगे हमारे जनजाति चित्रकार, ठीक है। एक ये है हमारे सामान्य चित्रकार ठीक है, और एक है ये हमारे जनजातीय चित्रकार। ठीक है, अब आप क्या पढ़ेंगे इन समान चित्रकारों में, आप किसके किसको पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे डीडी डीडी देवलालिकर को, आप पढ़ेंगे विष्णु चिचोलकर को, विष्णु चिचोलकर को, ठीक है। यहां पे आप पढ़ेंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे को, बेंद्रे को, देवयानी कृष्ण को, आप पढ़ेंगे यहां पर मकबूल फिदा हुसैन को, और आप पढ़ेंगे यहां पर सैयद हैदर रजा को, ठीक है। और कुछ अन्य हो जाएंगे यहां पर, और जो कुछ अन्य चित्रकार हैं हम उनको भी नाम के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें चित्रकारों के विषय में जानकारी हो कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से चित्रकार हैं। पर ये कुछ मुख्य चित्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद जनजाति चित्रकार में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले हमारे आएंगे पेमा फाल्या, दूसरे हैं हमारे भूरी बाई, तीसरी है हमारी दुर्गाबाई बेओम, चौथी है हमारी शेर सिंह, एक है श्याम करके हैं कुछ, उनका नाम मुझे अभी करंट में याद नहीं है, एक है कुछ श्याम करके, श्याम बहुरा है लग रहा, श्याम करके हैं। तो इस तरीके से हम अपने कुछ इन प्रमुख चित्रकारों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीडी देवलालिकर को, उसके बाद हम पढ़ेंगे विष्णु चिचोलकर को, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद हैदर रजा को, उसके बाद हम पढ़ेंगे मकबूल फिदा हुसैन जी को, उसके बाद हम पढ़ेंगे देवयानी कृष्ण जी को, उसके बाद हम पढ़ेंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास देवकृष्ण जयशंकर जोशी हैं, फिर कुछ अन्य में, ये क्या है अन्य, जिनके हमें नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार नामों से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इनमें से किसका संबंध क्या है चित्रकला से है, ठीक है ना। तो इसमें से एक है रमेश पटेरिया राजा राम, ठीक है, रमेश पटेरिया राजा राम, एक है डॉक्टर मंजूषा गांगुली, डॉक्टर मंजूषा गांगुली है, एक मिनट हुई है ना, यहां पर मैं लिख दिया डॉक्टर
मंजूषा गांगुली, ये कौन है? मकबूल मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है। यहां पे है अफजल, फिर है जगदीश स्वामीनाथ, फिर नारा बसंत, आगे शेण श्रीधर बेंद्रे, ये कोई मतलब श्रीधर बेंद्रे जी हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद है सुरेश चौधरी, ठीक है ना। तो ये कुछ अन्य कुछ चित्रकार हैं जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगले जो हमारे चित्रकार हैं ये जनजाति चित्रकार हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे पेमा फालिया साहब को, भूरी बाई जी को हम पढ़ेंगे, उसके बाद जनगढ़ सिंह श्याम जी को हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे दुर्गा बाई बेउम जी को पढ़ेंगे, फिर भज्जू श्याम को पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे शेर सिंह भबोरा को, भाबोरा, ठीक है ना, शेर सिंह भबोरा को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये हमारे कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, फिर उसके बाद ये कुछ जनजाति चित्रकार हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहां से हमारे जो पहले चित्रकार हैं वो हो जाएंगे हमारे डीडी देवलालिकर। क्या हो जाएंगे हमारे? डीडी देवलालिकर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस पूरे सेगमेंट को दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? एक 3 नंबर से और 5 नंबर से। 3 नंबर में क्या है, ये जितने भी चित्रकार हैं, जितने भी चित्रकार से चित्रकला से संबंधित व्यक्तित्व है, उन सभी को आप 3 नंबर में बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए, या फिर उनका मध्य प्रदेश की चित्रकला को बताइए, या फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों का उल्लेख करते हुए उनके योगदान को बताइए, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रस्तावना लिखकर, यहाँ पे आप छोटी सी प्रस्तावना लिखकर प्रमुख साहित्यकारों को बता देंगे, और यहाँ पर निष्कर्ष एक लाइन का लिख देंगे कि वर्तमान समय में ये किस तरीके से चित्रकला का महत्व है, ठीक ना। और 3 नंबर का अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे डीडी देवलालकर जी हैं तो इनका जन्म आप बता सकते हैं, इनका आप बता सकते हैं इनका उपनाम क्या है, उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि इनकी जो शैली है, ये किस शैली में अपनी चित्रकला करते थे, और लास्ट में अगर आप एक विशेष करके इनका कोई और पॉइंट देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आप 3 नंबर में, 5 नंबर में भी आप चित्रकारों को और मध्य प्रदेश की चित्रकला को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ना। और जितने भी ये चित्रकला से संबंधित व्यक्तित्व हैं, ये आप इस सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे कि भाई 3 3 नंबर में, अगर इनसे, अगर आपसे डीडी देव लालिकर साहब को अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले आप बताएंगे इनका संबंध, इनका संबंध चित्रकला से है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे, जन्म के बाद आप बता देंगे कि शैली क्या है, उसके बाद लास्ट में आप बता सकते हैं भाई कि भाई विशेष में कि भाई इनका क्या योगदान रहा है, या फिर इनके शिष्य कौन थे, या फिर आप बता सकते हैं कि भाई देवलालिकर फाइन आर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 नंबर को और 5 नंबर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहां तक अगर किसी कोई समस्या हो तो बोल सकता है भाई। ठीक है रिया जी, आप मुझसे, आपने बोला कि 19 जून को हुआ था पेपर, सॉरी वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे, 19 जून को हुआ था। और ये आप बोले 3 नंबर और 5 नंबर, सर 5 नंबर मार्क्स में कितने चित्रकारों के बारे में लिखना पड़ेगा? देखिए 5 नंबर के अगर आपसे चित्रकार पूछे जाते हैं, अगर 5 नंबर के आपसे चित्रकार पूछे जाते हैं, तो आप क्या करेंगी कि सबसे पहले यहां पर एक प्रस्तावना लिखेंगी, जो कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया है। प्रस्तावना कैसे लिखेंगी कि भाई चित्रकला, चित्रकला सभी कलाओं की सबसे मतलब जो चित्रकला होती है, जो इस, आप सीधा ये लिख सकती हैं, चित्रकला के माध्यम से जो मानव होता है वो अपने चिंतन, चिंतन के बाद अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, यहाँ पे आपने एक प्रस्तावना लिखी, उसके बाद आपने लिखा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, ठीक है, आपने ऐसे लिखा। अब यहां पर आप लिख दे प्रमुख चित्रकारों को, चाहे वो डीडी देवलालिकर साहब हो, चाहे वो मध्य
मकबूल फिदा हुसैन हो, सैयद हैदर रजा हो, ठीक है, या फिर दुर्गा बाई बेउम जी हो। यहीं पे आप थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं जनजाति, यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकते हैं जनजाति चित्रकार, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकती हैं पेमा फालिया, यहाँ पर आप लिख सकती हैं, और इनका यहाँ पर लिख सकती हैं संबंध, यहाँ पे आपने इनका नाम लिख के यहाँ पे आप संबंध लिख सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकती हैं। या फिर एक और तरीका है, ठीक है, आपने लिखा यहाँ पर चित्रकार, ये हो गया चित्रकार, यहाँ पे आपने लिखा उनका नाम, और यहाँ पर उनकी लिख दी शैली। इस तरीके से जैसे यहाँ पर आपने लिखा मकबूल फिदा हुसैन, तो उनकी कौन सी शैली थी, पेमा फालिया वो किस लिए प्रसिद्ध है, दुर्गा बाई बी वो किस लिए प्रसिद्ध है, आप इस तरीके से भी आप लिख सकती हैं। आप दोनों ही माध्यम को उपयोग करके आप यहाँ पर लिख सकती हैं, ठीक है। ठीक है, और कोई समस्या आपको? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब जैसे आप 3 नंबर के चित्रकार मैंने आपको वहां पे बता दिए भाई, यहां पे जैसे कोई चित्रकार हो गया जैसे डीडी देवलालकर साहब है, ठीक है, यहां पे आप उनका जन्म लिख सकते हैं, जन्म लिख सकते हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप उनकी शैली लिख सकते हैं, शैली लिख सकते हैं, उनके अगर उन्होंने कोई विशेष काम किया आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, इनके कोई शिष्य रहे हैं आप वो लिख सकते हैं, इनका अगर कोई उपनाम है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों को कंप्लीट कर सकते हैं, 3 नंबर में भी, 5 नंबर में भी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। पहले जो हमारे चित्रकार हैं वो है हमारे डीडी देवलालिकर साहब। कौन है? डीडी देवलालिकर साहब, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था धार में, वो हुआ था 1883 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में। कहाँ हुआ था? धार में हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, और कब हुई थी? 1978 में, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा डीडी देवलालकर साहब का, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये धार में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक ना। इनका जो एक विशेष पॉइंट है कि इन्हें मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृपुरुष, ये पितृपुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको ये याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृपुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर हो जाएगा डीडी देवलालिकर जी। कौन हो जाएगा उसका आंसर? डीडी देवलालिकर जी, ठीक है ना। इनकी शैली है, इनकी शैली कौन सी है? इनकी शैली है डेकोरियम लिस्टिक। कौन सी शैली है? डेकोरियम लिस्टिक शैली है। किसकी? डीडी देवलालिकर साहब की शैली कौन सी है? डेकोरियम लिस्टिक शैली है, ठीक है ना। इनके शिष्य अर्थात जो हमारे डीडी देवलालिकर साहब हैं, इनके शिष्य कौन थे? विष्णु चिचोलकर साहब, ठीक है, चिचोलकर नहीं, चिचोलकर है, चिचोलकर, ठीक ना। तो विष्णु चिचोलकर किसके शिष्य थे? तो ये थे डीडी देवलालिकर साहब के चित्र थे, ठीक ना। और आपको लास्ट में याद रखना है कि देवलालिकर फाइन आर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? इंदौर में, ठीक है। तो देवलालिकर फाइन आर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? वो है हमारा इंदौर में, ठीक है ना। तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि 3 नंबर में आप इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनका जन्म बता सकते हैं, दूसरा आप इनका इनका लिख सकते हैं ये प्रसिद्ध क्यों है, तो मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृपुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इनकी शैली, तो इनकी शैली कौन सी है? तो डेकोरियम लिस्टिक शैली है। और लास्ट में एक विशेष करके एक पॉइंट आप डाल सकते हैं कि देवलालिकर फाइन आर्ट्स कॉलेज कहाँ है? इंदौर में है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले चित्रकार की ओर। अगले जो हमारे चित्रकार हैं वो है विष्णु चिचोलकर साहब। कौन है? विष्णु चिचोलकर साहब, ठीक है। तो विष्णु चिचोलकर साहब का जन्म हुआ था देवास में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देवास में। कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। जो हमारे विष्णु चिचोलकर साहब हैं, इनका जन्म हुआ था देवास में, और कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। इनकी इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं डीडी देवलालिकर साहब। हमने पिछली स्लाइड में देखा है इनके गुरु कौन थे? डीडी देवलालिकर साहब, ठीक है। गुरु कौन थे? डीडी देवलालिकर साहब, ठीक है। आविष्कार इसने क्या, इन्होंने आविष्कार कौन सा किया है? इन्होंने आविष्कार किया है चक्षुष, चक्षुष दृश्य विधि। ये एक विधि है जिसके माध्यम से चित्रकारी की जाती है, और उसका नाम है चक्षुष दृष्ट विधि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चक्षुष दृष्ट विधि का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु चिचोलकर साहब ने चक्षुष दृष्ट विधि का क्या किया है? आविष्कार किया है, ठीक है ना। इन्हें एक सम्मान मिला है, इन्हें सम्मान मिला है इंदौर रत्न। कौन सा सम्मान मिला है इन्हें? इंदौर रत्न सम्मान मिला है 1991 में। कब मिला इंदौर रत्न सम्मान? 1991 में, ठीक है ना।
और इनके अगर विशेष में अगर एक पॉइंट देख लिया जाए तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट बनाने में अग्रणी है। क्या लैंडस्केप और पोर्ट्रेट बनाने में क्या है, अग्रणी है। और लास्ट में आपको यह याद रखना है कि 1960 में इन्होंने फ्राइडे ग्रुप नामक कलाकारों का समूह बनाया था, ठीक है ना, फ्राइडे ग्रुप नामक, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो विष्णु चिचोलकर साहब हैं इनसे तीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले इनके जन्म स्थान से, कहां से जन्म स्थान, इनका जन्म कहां हुआ था, धार में। इनकी जो शैली है शैली कौन सी है, चक्षुष दृश्य विधि। एक हो जाएगा इन्होंने किस ग्रुप का, अगर ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्राइडे ग्रुप जिसका संबंध चित्रकला से है इसकी इसका गठन या फिर इसकी स्थापना किसने की थी, किस कौन से ग्रुप की, फ्राइडे ग्रुप की। तो फ्राइडे ग्रुप की स्थापना किसने की थी, फ्राइडे ग्रुप के संस्थापक कौन है, विष्णु चिचोलकर साहब, ठीक है। तो आपको यहां तक ये समझ में आया कि नहीं आया, जी रिया जी आप मुझसे पूछ रहे हैं डेकोरियम लिस्टिक शैली क्या होती है। डेकोरियम लिस्टिक शैली के विषय में तो अभी मैंने जो रिसर्च की है वहां पे तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, पर ये एक प्रकार की शैली होती है, जिस तरीके से चक्षुष दृश्य वृद्धि है वैसे ही एक प्रकार की शैली है। मैं अगली क्लास में आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा सर्च करके कि डेकोरियम लिस्टिक शैली क्या होती है। ठीक है, आपको विष्णु चिचोलकर जी समझ में आए कि नहीं आए, हमें इनके लिखना कैसे है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये भाई आपसे पूछा जा सकता है विष्णु चिचोलकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, इनकी शैली कौन सी थी, चक्षुष दृश्य विधि थी। अगर आपसे ये पूछा जाए फ्राइडे ग्रुप जो कि चित्रकारों जितने भी चित्रकार होते हैं उन कलाकारों का एक समूह होता है, इसका गठन किसने किया था, इसका आंसर भी आपको पता चल चुका होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, विष्णु चिचोलकर साहब, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले चित्रकार की ओर, अगली जो हमारी चित्रकार हैं वो हो जाएंगी हमारी देवयानी कृष्ण, क्या हो जाएंगे हमारी देवयानी कृष्ण, ठीक है ना। तो अभी अगर इनसे तीन नंबर पूछा जाए तो वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ये मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकार हैं, या फिर आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं क्षेत्र, आप बोल सकते इनका क्षेत्र कौन से चित्रकार है ये, ठीक है पहला पॉइंट। इनका जन्म आप लिख सकते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है, ठीक है। और आप विशेष कर क्या क्या लिख सकते हैं कि इन्होंने अपनी चित्रकला में तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य का क्या लिख सकते हैं यहां पर, तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य का, ठीक है। जो हमारी देवयानी कृष्ण जी हैं इन्होंने अपने चित्रों में तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य का एवं तिब्बत के जनजीवन के चित्र को बनाया है या फिर उकेरा है। आप समझ रहे हैं कि जो हमारी देवयानी कृष्ण जी हैं इन्होंने तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य को और वहां के जनजीवन को अपने चित्रों के माध्यम से उकेरने का प्रयत्न किया है, ठीक है। उसके बाद ये खिलौने बनाने में भी अग्रणी है, क्या काम करने में अग्रणी है, ये खिलौने बनाने में भी, ठीक है। उसके बाद आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि 1946 में अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार इन्हें मिला था, क्या मिला था, अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में इन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो हमारी जो तीसरी जो चित्रकार है वो है देवयानी कृष्ण, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था इंदौर में, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकार है, और इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य को और वहाँ के जनजीवन को अपने चित्रों के माध्यम से उकेरने का प्रयत्न किया है, ठीक है ना। और यह खिलौने बनाने में भी अग्रणी रही है और 1946 में अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में इन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अगले जो हमारे चित्रकार हैं वो है नारायण श्रीधर बेंद्रे, क्या है, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म हुआ था इंदौर में, कहां पर हुआ था, इंदौर में, ठीक है। इनकी जो शैली है वो है इंदौर की खासी चित्र शैली, जो खासी चित्र शैली है उनसे इनका संबंध है, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए नारायण श्रीधर बेंद्रे में किस शैली में अपने चित्र का प्रदर्शन किया है, तो खासी चित्रकला शैली, किस शैली में, खासी चित्रकला शैली, ठीक ना।
इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं, इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो है प्रार्थना सभा में गांधी जी और पटना आवास। और भी कुछ चित्र हैं पर जो महत्वपूर्ण थे वो है प्रार्थना सभा में गांधी जी और पटना आवास। ठीक है, अगला है इन्हें सम्मान, इन्हें सम्मान मिला था, इनकी एक चित्र थी, तो इनकी कृति थी कांटे। क्या थी इनकी चित्र, क्या नाम था, कांटे। तो इन्हें सम्मान मिला है इनकी इनकी कलाकृति के लिए कांटे 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी जो एक कलाकृति थी, इनकी जो एक चित्र थी उसका नाम था कांटे, उसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, नारायण श्रीधर बेंद्रे साहब को, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। इनकी शैली कौन सी थी, इंदौर की खासियत चित्र शैली में अपने चित्रों का को क्या करते थे, चित्रित करते थे। और इनके जो प्रसिद्ध चित्र थे वो क्या था कि प्रार्थना सभा में गांधी जी, पटना आवास। ठीक है, इनकी एक चित्रकला थी या फिर इनकी एक कृति थी जिसका नाम था कांटे, जिसे 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, नारायण श्रीधर बेंद्रे साहब। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, अगले हमारे हैं देवकृष्ण जयशंकर जोशी। क्या है हमारे, देवकृष्ण जयशंकर जोशी। तो देवकृष्ण जयशंकर जोशी का जन्म हुआ था महेश्वर में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, महेश्वर में। ठीक है ना, इनके जो प्रमुख चित्र हैं, इनके जो प्रमुख चित्र हैं लाल पगड़ी और चूड़ियां खरीदती दुल्हन। क्या थी इनके जो चित्र प्रमुख चित्र हैं, चित्रों के नाम है ये, लाल पगड़ी और चूड़ियां खरीदती दुल्हन। ठीक ना, तो आपको ये याद रखना है जो देवकृष्ण जयशंकर जोशी जी हैं ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। अगर आपसे पूछा जाए 3 नंबर में देवकृष्ण जोशी, ठीक है, आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनका क्षेत्र, क्या लिखेंगे, इनका क्षेत्र, इनका संबंध किसने किस किस क्षेत्र से, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या है, चित्रकार हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इनका जन्म, जन्म कहाँ हुआ था इनका, महेश्वर में। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रमुख चित्र, क्या है प्रमुख चित्र, चूड़ियां खरीदती दुल्हन, चूड़ियां खरीदती दुल्हन। और क्या हो जाएगा अगला पॉइंट, लाल पगड़ी। ठीक है ना, तो चूड़ियां खरीदती दुल्हन और लाल पगड़ी इनके क्या है, प्रमुख चित्र है। और एक पॉइंट आप और डाल सकते हैं विशेष कर कर करके कि इनके चित्र में, इनकी जो चित्रकारी होती है इसमें मनुष्य और प्राकृति, मनुष्य और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सजग संबंध देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जो हमारे देवकृष्ण जयशंकर जोशी साहब हैं, जो इनके चित्रों की विशेषता है, ये मनुष्य और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच क्या करते हैं, एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने देखा 3 नंबर में हम इसे कैसे लिख सकते हैं और हमने इन्हें यहां पर कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले चित्रकार के ऊपर। अगले जो हमारे चित्रकार हैं ये मैं आपको पहले बता दूं, ये 5 नंबर में आ सकते हैं, 3 नंबर में तो आने की पूरी संभावना है और 5 नंबर में भी आ सकते हैं। यहां पर मैंने पूरा कंटेंट दिया है आपको, पूरा मटेरियल उपलब्ध कराया है कि आप इसे 5 नंबर में भी लिख सकते हैं, बस आप इसे सुनिए आप और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मकबूल फिदा हुसैन है ये मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या है, चित्रकार है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था 1916 में। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो मकबूल फिदा हुसैन है यह मध्य प्रदेश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्तर के चित्रकार है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1916 कहां पर, महाराष्ट्र में। यह समझ में आया, इनकी जो कर्म भूमि थी, इनकी जो कर्म भूमि थी वो क्या थी, इंदौर थी। इनकी कर्म भूमि क्या थी, इंदौर थी। ठीक है, और इनके गुरु क्या हो जाएंगे, डीडी देव लालिकर साहब। इनके गुरु क्या हो जाएंगे, डीडी देव लालिकर साहब। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, जो फोर्ब्स का पत्रिका थी, फोर्ब्स पत्रिका ने इसे, इन्हें पिकासो ऑफ इंडिया कहा है। क्या कहा है, पिकासो। क्या कहा है, पिकासो ऑफ इंडिया। किसने,
तो आप अगर आपसे प्रीलिम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर फोर्ब्स पत्रिका ने किस चित्रकार को पिकासो ऑफ इंडिया से सम्मानित किया है या फिर कहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। अगर आपसे पूछा जाए मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए जो मकबूल फिदा हुसैन थे इनकी कर्म भूमि क्या थी, इनकी कर्म भूमि क्या थी, इंदौर थी। अगर आपसे पूछा जाए मकबूल फिदा हुसैन के गुरु कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे, डीडी देवलालिकर साहब क्या थे, मकबूल फिदा हुसैन के क्या थे, ये गुरु थे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इनकी जो चित्रों की विशेषता थी, किनके, मकबूल फिदा हुसैन जी के जो चित्रों की विशेषता थी, इसमें ये मतलब जो मकबूल फिदा हुसैन जी थे, ये घोड़ा और गणेश, घोड़ा और गणेश इनके चित्रों के प्रिय प्रिय क्या होते थे, विषय होते थे। तो आपको ये याद रखना है जो हमारे मकबूल फिदा हुसैन जी है, जो इनके चित्र के चित्र का जो केंद्र बिंदु होता था या फिर जो प्रिय विषय होता था, वो गणेश और घोड़ा होता था। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आईएमपी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पूरे सब कुछ भूल जाइए इसमें, पर ये मत भूलिएगा, ये जो पॉइंट है ये कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना, जो मकबूल फिदा हुसैन है इन्होंने गजगामनी नामक चित्र की श्रृंखला का प्रकाशन किया था। किस नामक चित्र कौन सा है ये, गजगामनी नामक चित्रों की एक श्रृंखला थी, गजगामनी नामक चित्रों की एक श्रृंखला थी जिसका प्रकाशन किसने किया था, मकबूल फिदा हुसैन जी ने। आप इस पॉइंट को कभी मत भूलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मकबूल फिदा हुसैन जी का। क्या कि गजगामनी नामक चित्रों की श्रृंखला किसके द्वारा निकाली गई थी या फिर किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मकबूल फिदा हुसैन, और इसके ऊपर एक फिल्म का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, अब कौन सी फिल्म का निर्माण किया गया, यहां पे ये इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, बस आप ये लिख सकते हैं कि फिल्म निर्माण भी इसके ऊपर क्या है, किया गया है। ठीक है, इसके बाद इन्हें सम्मान कौन कौन से मिले हैं, सम्मान इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है 1966 में, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है, और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, कब, 1987 में। ठीक है, अब यहां पर किसी कोई समस्या है, यहां पे किसी को कोई समस्या है, प्लीज आप रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अभी जो मैंने आपसे बोला था कि आप इसे 3 नंबर और 5 नंबर में दोनों लिख सकते हैं, मैंने आपसे बोला था, अब आप 3 नंबर में से कैसे लिखेंगे, 5 नंबर में कैसे लिखेंगे, अब आप वो देखिए। ठीक है, ये क्या है, मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, ये मकबूल फिदा हुसैन साहब है। सबसे पहले आप यहां पे लिख सकते हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्या हैं ये, चित्रकार हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इनका जन्म आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये इनकी जो जो गजगामिनी नामक पेंटिंग है, विशेष करके आप यहां पे लिए ये लिख सकते हैं कि इन्होंने गजगामिनी नामक चित्रों की श्रृंखला का प्रकाशन किया। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं कि भाई फोर्ब्स पत्रिका ने, किसने, फोर्ब्स पत्रिका ने क्या कहा है, पिकासो ऑफ इंडिया कहा है। क्या कहा है, पिकासो ऑफ इंडिया कहा है। ठीक है, ये आपने 3 नंबर के हिसाब से लिख दिया, अब आप देखते हैं 5 नंबर के हिसाब से आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये है आपकी कॉपी, और इसमें आप मान लीजिए 9 लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं यहां पर ये मध्य प्रदेश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं। दूसरा आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं यहां पर इनका जन्म कब हुआ है। तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं इनके गुरु कौन हैं। चौथा पॉइंट आप डाल सकते हैं फोर्ब्स पत्रिका वाला। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप डाल सकते हैं कि भाई इनके चित्रों की विशेषता, मैंने आपको बताया था कि इनके चित्रों की विशेषता में हमने देखा था कि विशेषता में कि घोड़ा और कहां गया नाम, मैं थोड़ा सा भूल गया यहां पे। ठीक है, गणेश और घोड़ा, क्या गणेश और घोड़ा इनके चित्र की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद आप डाल सकते हैं कि गजगामनी नामक चित्रों का इन्होंने
क्या किया था, गजगामी नामक चित्रों की एक श्रृंखला का प्रकाशन किया था। इसके ऊपर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। अंत में आप लिख सकते हैं सम्मान, इन्हें 3 सम्मान अब तक दिए जा चुके हैं, कालिदास, पद्मश्री, पद्म विभूषण। निष्कर्षता आप लिख सकते हैं कि इनके चित्रों को आज भी सरकार के द्वारा संरक्षण किया जा रहा है। बात खत्म। कोई समस्या है यहां पे, किसी को कोई समस्या है? 3 नंबर में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 नंबर में आप लिख सकते हैं। प्लीज आप कमेंट कर दीजिए एक बार। किसी को समस्या समझ में आया? आप 3 नंबर में कैसे लिखेंगे, 5 नंबर में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? आपको समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं आगे। अगले जो हमारे जो चित्रकार हैं वो है सैयद हैदर रजा। क्या है? सैयद हैदर रजा। ठीक है, तो ये भी 3 और 5 में आ सकते हैं। ठीक है, और उसी फॉर्मेट में इसे भी लिखना है। ठीक ना, तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं। क्या ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं? ठीक है, दूसरा पॉइंट, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ 1922 में नरसिंहपुर के बावरिया ग्राम में। कहां पर? बावरिया ग्राम में हुआ है। ठीक है, जो हमारे सैयद हैदर रजा है इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो नरसिंहपुर के बावरिया गांव में हुआ है। वहीं पे जो हमारे मकबूल फिदा हुसैन है उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनकी जो कर्म भूमि रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे सैयद हैदर रजा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मत भूलिएगा कि जो सैयद हैदर रजा है इनकी जो कर्म भूमि रही है वो कहाँ रही है? फ्रांस में। ठीक है, इनके चित्रों की विशेषता क्या है? इनके चित्रों की विशेषता देखिए, ये जो पॉइंट लिखा है यहां पे मैंने इकट्ठा लिख दिया, पर आप कैसे लिखेंगे मैं वो बता देता हूं। इनके जो चित्रों की विशेषता है, ठीक है, ये किया आपने, ये बना दीजिएगा वहां पे। थोड़ा सा आप वहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आंसर को प्रेजेंट करने की स्किल सीखेंगे। आंसर प्रेजेंट करने की स्किल से आप बहुत अच्छा वहां पर आप क्या कर सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऐसे लिखा हुआ है तो वहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक ना, तो इनकी जो चित्रों की विशेषता है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण। पहला पॉइंट, इनके चित्र में हमें क्या देखने को मिलता है? प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण देखने को मिलता है। पूर्व और जो पश्चिम सभ्यता है, पूर्व और पश्चिम का जो अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ये गहरे मखमली रंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पर प्राकृतिक जो दृश्य है उसका चित्रण होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पूर्व और पश्चिम का समन्वय है, यहाँ पर पूर्व और पश्चिम का क्या है? समन्वय है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, गहरे मखमली रंग का ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे आपका आंसर क्या हो गया? अट्रैक्टिव हो गया देखने में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इनके जो प्रमुख चित्र है, इनके जो प्रमुख चित्र है, अटल सुन की अन्यता, अन्य नहीं, ये है अन्यता। ठीक है, अन्यता, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ है अन्यता, अटल सुन की अन्यता, ये ना है ना भाई, अटल सुन की अन्यता, अनसुनी आवाज, माँ, सफेद फूल, बिंदु, राजस्थान और नाग। आपको नहीं रटी होगी पर मैं आपको रटा के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक माँ है, क्या है? एक माँ है। इन किसकी पेंटिंग है? सैयद हैदर रजा के प्रमुख चित्र है। ठीक है, और ये प्रमुख चित्र को मैं आपको रटा रहा हूं, कैसे रटेंगे आप वो देखिए। ये क्या है? एक माँ है, माँ है, माँ क्या कर रही है? अपने बालों में, अपने बालों में सफेद फूल लगा रही है। क्या लगा रही है? सफेद फूल लगा रही है। कौन? माँ। और माँ क्या कर रही है? अपने माथे पर बिंदी लगा रही है, अर्थात बिंदु। क्या कर रही है? बिंदी लगा रही है। ठीक है ना, और आप ये बताइए, जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे की आवाज, अनसुनी आवाज भी सुन लेती है। एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे की अनसुनी आवाज भी सुन लेती है, तो यहां से आप जोड़ सकते हैं अनसुनी आवाज, अनसुनी आवाज। ठीक है, अनसुनी आवाज। ठीक है, ये कितने? 1 2 3 4 चार चित्र कंप्लीट हो गए। अब आपके 2 बचे। अब ये जो माँ थी, ये माँ जा रही थी राजस्थान। कहाँ जा रही थी? राजस्थान। और इसने क्या देख लिया? नाग। क्या देख लिया? नाग। और जब इसने नाग देखा तो ये क्या रह गई? सन्न रह गई, अर्थात सुन्न हो गई। ठीक है, तो अटल सुन्न की अन्यता। तो हमने क्या क्या देखा? जो माँ थी, माँ क्या कर रही थी? सफेद फूल अपने बालों पे लगा रही थी, अपने माथे पे बिंदी लगा रही थी, अपने बच्चे की अनसुनी आवाज को वो सुन रही थी। एक माँ थी जो कि राजस्थान जा रही थी, राजस्थान जाते हुए उसने एक नाग देखा, अर्थात एक सांप देखा, तो कैसे रह गई? सुन्न हो गई, अर्थात वो सन्न हो गई।
इस तरीके से हमने पूरे ये चित्र है वो समझ लिए हैं। जैसे माँ से क्या हो गया, माँ एक चित्र है इनका, फिर उसके बाद सफेद फूल एक चित्र है, बिंदी से एक बिंदु इनका एक चित्र है, उसके बाद अनसुनी आवाज एक चित्र है इनका, राजस्थान एक चित्र है इनका, नाग एक चित्र है इनका, अटल शून्य की अन्यता भी क्या है, एक चित्र है। आपको समझ में आया, समझ में आया आपको? ठीक है, मैंने आपको क्या किया, एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की, आपके माइंड में क्या किया, एक क्या बोलते हैं, कहानी, आपके मन में एक कहानी बनाने की कोशिश की। कैसे, एक माँ थी, एक माँ थी, वो क्या करती थी, अपने बालों पे क्या लगाती थी सफेद फूल लगाती थी। जब वो सफेद फूल लगाती थी तो क्या करती थी, एक बिंदी भी लगाती थी। जब वो बिंदी लगाई फिर क्या हुआ, एक माँ होती है वो अपने बच्चे की क्या होती है, अनसुनी आवाज को भी सुन लेती है। तो यहाँ पे अनसुनी आवाज भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक माँ होती है वो राजस्थान जा रही थी, और राजस्थान जाते हुए उसने एक नाग देखा, नाग मतलब एक सांप देखा, तो कैसी हो गई, वो सन्न हो गई अर्थात शून्य हो गई। तो इससे क्या हो गया हमारा, अटल शून्य की अन्यता। मैंने एक कहानी बनाई है सिर्फ इनके चित्रों को आपको रटाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये जो हमारे सैयद हैदर रजा हैं, तो सैयद हैदर रजा की एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग भी आप मत भूलिएगा। ये इनकी पेंटिंग का नाम है सौराष्ट्र नामक सहजनात्मक। इनकी पेंटिंग का क्या नाम है, सौराष्ट्र नामक सहजनात्मक। ये किसकी पेंटिंग है, तो ये है सैयद हैदर रजा की। किसकी पेंटिंग है, सैयद हैदर रजा की, ये मत भूलिएगा। क्यों, क्योंकि ये इनकी सबसे महंगी पेंटिंग है, जो भी की थी 16.42 करोड़ में। कितने में, 16.42 करोड़ में। कौन सी पेंटिंग है इनकी, सौराष्ट्र नामक सहजनात्मक। और एक और पेंटिंग है इनकी, नहीं है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके किसकी पेंटिंग है, गजगामिनी। गजगामिनी बताइए आप, गजगामिनी किसकी पेंटिंग है, कमेंट करके आप मुझे बताइए गजगामिनी किसकी पेंटिंग है। गजगामिनी नामक पेंटिंग किसकी है, अभी हमने पिछली स्लाइड्स में ही पढ़ा है। ठीक है, तो गजगामिनी जो हमारी पेंटिंग है वो किसकी है, मकबूल फिदा हुसैन साहब की है। किसकी है, मकबूल फिदा हुसैन साहब की है। और सौराष्ट्र नामक जो सहजनात्मक पेंटिंग है वो हमारी सैयद हैदर रजा साहब की है। ठीक है ना, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 1947 में इन्होंने मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना, किसकी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की है, तो सर सैयद हैदर रजा ने की है। ठीक ना, इनकी मृत्यु कब हो रही है, 2016 में। इनकी मृत्यु कब हुई है, 2016 में, और कहां हुई है, दिल्ली में हुई है। ठीक ना, उसके बाद इन्हें सम्मान कौन कौन सा मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है 1981 में, और कालिदास सम्मान मिला है 1996 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या है, जो हमारे सर सैयद हैदर रजा है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, हमने यहां पे क्या देखा, इनका जन्म देखा नरसिंहपुर में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, इनकी हमने मृत्यु भी देख लिया, मृत्यु कहां हुई थी, दिल्ली में। इनकी कर्म भूमि हमने देखी, कर्म भूमि कहां थी, कर्म भूमि फ्रांस। इनके हमने चित्रों की विशेषता भी देखा कि भाई ये गहरे मखमली रंगों का प्रयोग करते थे, पश्चिम और पूर्व का समन्वय था, है ना। और एक और पॉइंट क्या था, एक और पॉइंट था कि भाई ये प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते थे, मखमली रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको याद रखना इनके जो प्रमुख चित्र थे क्या था, माँ था, सफेद फूल था, अटल सुन की अन्यता थी, नाग था, राजस्थान था, अनसुनी आवाज थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, इनकी जो सबसे महंगी पेंटिंग है सौराष्ट्र नामक सहजनात्मक। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं भाई, इनका सम्मान लिख सकते हैं, पद्मश्री और कालिदास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले जो हमारे चित्रकार हैं। ठीक है, तो यहां से अब हमारी जो श्रृंखला चालू होती है वो होती है किस किन चित्रकारों की, जनजाति चित्रकारों की। ठीक है, तो अभी तक जो हमने चित्रकार देखे हैं, अभी तक हमने किन किसको किसको देख देख लिया है, शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां हमने डी डी देवलालिकर साहब को देखा, विष्णु चिचोलकर साहब को देखा,
देवयानी कृष्ण को देखा, नारायण श्रीधर बेंद्रे को देखा, देवकृष्ण जयशंकर जोशी जी को देखा, मकबूल फिदा हुसैन जी को देखा, और लास्ट में हमने किन्हें देखा है, सैयद हैदर रजा को। ठीक है, यहां पर किसी को कोई समस्या है? यहां तक किसी को कोई समस्या है? क्योंकि जो हमारा अगला सेगमेंट है वो हो जाएगा प्रमुख जनजाति चित्रकार। यहां तक किसी को कोई समस्या है? ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमुख जनजाति चित्रकारों के ऊपर। पहले जो हमारे चित्रकार हैं वो हो जाएंगे हमारे पेमा फालिया साहब। ठीक है, पेमा फालिया साहब, ये जो पेमा फालिया साहब हैं, इनका जन्म हुआ था झाबुआ में। जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ में। और ये किस चित्र, ये क्यों प्रसिद्ध है? ये करते हैं पिथौरा नामक चित्रकारी। क्या करते हैं? पिथौरा चित्रकारी। और ये पिथौरा चित्रकारी है, इसका संबंध है भील जनजाति से। आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा, जो पेमा फालिया है ये भील जनजाति से इनका संबंध होगा। ठीक है, और ये जो पिथौरा चित्रकला है, पिथौरा चित्रकला की जो प्रमुख विशेषता है ये क्या होती है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक संगीत को सुनते हैं, उस संगीत को सुनने के बाद हम अपने मस्तिष्क में एक भाव उत्पन्न करते हैं, और उस भाव को हम चित्रों के माध्यम से कागज पे उकेरने का प्रयत्न करते हैं। ये क्या है? पिथौरा चित्रकला की विशेषता है। मैंने आपसे क्या बोला है, जो पिथौरा चित्रकला है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम संगीत को सुनते हैं, संगीत को सुनकर हम अपने मन में चिंतन करते हैं, एक अपने मनोभाव को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद अपने मनोभाव को हम किसमें अभिव्यक्त करते हैं, कागजों में। और यही जो कला होती है वो पिथौरा चित्रकला कहलाती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश क्या करते हैं, पेमा फाल्या। तो पेमा फाल्या विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला के क्या है, चित्रकार है। आपको ये याद रखना है पेमा फाल्या का संबंध किस किस क्षेत्र से है, तो पिथौरा चित्रकला से है। ठीक ना, और ये किस जनजाति से इनका संबंध है, तो भील जनजाति से है। ठीक है, इनका जन्म मैंने आपको बता दिया है कि झाबुआ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया है जो पिथौरा चित्रकला होती है इसकी विशेषता क्या होती है, कि भाई इसकी जो मुख्य विशेषता होती है कि हम संगीत को सुनते हैं, महसूस करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसे आकृति प्रदान करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पिथौरा चित्रकला होती है उसमें जो गड़े घोड़ा होता है, जो घोड़ा होता है वो पिथौरा के केंद्र बिंदु में होता है। ठीक ना, और इसके पहले हमने क्या देखा था, घोड़ा और गणेश किसके चित्र की प्रमुख विशेषता हुआ करती थी, वो हुआ करती थी मकबूल फिदा हुसैन साहब की। किसकी? मकबूल फिदा हुसैन साहब की जो चित्र होते थे उसमें क्या, घोड़ा और गणेश क्या होते थे, मुख्य विशेषता विषय होते थे, या फिर केंद्र बिंदु होता था। ठीक है, उसके बाद इन्हें सम्मान दिया गया है 1986 में, शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है, और 2017 में, मिस्टेक है यहां पर, 2017 में तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा भाई, पेमा फालिया को पढ़ा। सबसे पहले हम पेमा फालिया के बारे में क्या लिख सकते हैं, कि ये विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला के क्या है, ये चित्रकार हैं। इनका जन्म कहां हुआ था, झाबुआ में हुआ था। दो पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, जो पिथौरा चित्रकला होती है इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है कि हम इसमें संगीत को सुनते हैं, संगीत को सुनने के बाद जो मानव के मस्तिष्क में चिंतन होता है, एक मनोभाव उत्पन्न होता है, उसको हम अभिव्यक्त करते हैं किसमें, कागज में। तो यही क्या है, पिथौरा चित्रकला की विशेषता है। पिथौरा चित्रकला का जो केंद्र बिंदु होता है वो घोड़ा होता है। और अंतिम पॉइंट आप लिख सकते हैं पेमा फालिया के बारे में, कि भाई इन्हें सम्मान मिला है, शिखर सम्मान कब मिला है, 1986 में, और तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है 2017 में। तुलसी सम्मान से सम्मानित कब किया गया है, 2017 में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगली जो हमारी चित्रकार हैं वो है भूरी बाई। अगली जो हमारी चित्रकार हैं वो हो जाएंगी भूरी बाई। ठीक है, भूरी बाई का जन्म कहां हुआ था, इनका भी जन्म हुआ था झाबुआ में। कहां हुआ था, झाबुआ में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका संबंध किससे है, ये पिथौरा चित्रकला से है। तीसरा पॉइंट आप ये डाल सकते हैं, ये प्रमुख क्या है, भीली चित्रकार है। क्या ये भीली चित्रकार है, भीली चित्रकार है। ठीक है ना, कितनी सारी चीजें आपको भूरी बाई से याद रखनी है। आइए अब हम पढ़ते हैं यहां पर क्या भूरी बाई को। ये जो हमारी भूरी बाई है एक भारतीय भीली चित्र कलाकार है। क्या ये भारतीय भीली चित्र कलाकार है। ठीक है, आपको याद रखना है जो भूरी बाई है इनका संबंध किससे है, तो भीली चित्रकार, भीली चित्रकला से है।
ठीक है, अगला पॉइंट, इनका जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ जिले में एक पटोला ग्राम है, क्या है? पटोला ग्राम, झाबुआ जिले में क्या है? एक पटोला ग्राम है, वहां पर क्या हुआ था? भूरी बाई का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, विशेष क्या है? यह पिथौरा चित्रकला की विश्व प्रसिद्ध क्या है? चित्रकार है, और यह कागज तथा कैनवास का इस्तेमाल करने वाली प्रथम भीली चित्रकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है, आईएमपी पॉइंट है, ये मत भूलिएगा भाई, एक ये पॉइंट मत भूलिएगा, और एक ये पॉइंट तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये किस जनजाति की है? तो ये भील जनजाति की चित्रकला है, चित्रकारी से संबंध है इनका। और दूसरा पॉइंट है कि कागज तथा कैनवास, कागज पर चित्र उकेरने वाली ये प्रथम भीली चित्रकार है। ठीक है, इन्हें क्या-क्या सम्मान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सम्मान मिला है वो मिला है सॉरी पद्मश्री सम्मान 2021 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है। क्या? तो 2021 में पद्मश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया है? वो किया गया है भूरी बाई को। ठीक है ना, और इन्हें 1996 में, कब? 1996 में अहिल्या बाई होलकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आपको ये याद रखना है, जो भूरी बाई है कौन? जो भूरी बाई है इन्हें 1996 में अहिल्या बाई होलकर सम्मान से, 2006 में रानी दुर्गावती सम्मान से, 1986-87 में शिखर सम्मान से, और पद्मश्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर ऊपर के भूल जाएंगे तो चल जाएगा, पर आप इसे मत भूलिएगा मेरे भाई, इसे आप प्लीज मत भूलिएगा, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है हमारी भूरी बाई को। ठीक है ना, और ये वर्तमान समय में आदिवासी लोक कला परिषद जो कि भोपाल में है, वहां पर ये क्या कर रही है? भीली चित्रकला को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। ठीक ना, आदिवासी लोक कला परिषद कहाँ है? भोपाल में है, और वहां पर क्या कर रही है भूरी बाई? जो भीली चित्रकला है उसको क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा भूरी बाई। ठीक है, अब जो हमारी अगले जो चित्रकार है वो है जनगण सिंह श्याम। क्या है? जनगण सिंह श्याम। ठीक है, इनका संबंध किससे है? ये प्रमुख गोड़ चित्रकार है, ये याद रखिएगा। सॉरी, ये क्या है? प्रमुख गोड़ चित्रकार है। क्या है ये? गोड़ चित्रकार, याद रखिएगा भाई, भूलिएगा मत। जो भूरी बाई है, पेमा फाले है, उनका संबंध भील चित्रकला से है। जो जनगण सिंह श्याम है, इनका संबंध क्या है? गोड़ चित्रकला से है, गोड़ चित्रकारी से इनका संबंध है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था डिंडोरी में, मध्य प्रदेश का एक जिला है डिंडोरी। यहां पर क्या है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, जो जनगण सिंह श्याम है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? डिंडोरी जिले में हुआ था। इसी डिंडोरी जिले में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यही जनगण सिंह श्याम का संबंध किस चित्रकार से है? चित्रकला से है, तो गोड़ चित्रकला से इनका संबंध है। ठीक ना, इन्होंने इन्होंने भारतीय चित्रकला में, भारतीय चित्रकला में नए स्कूल जंगल कलाम का निर्माण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है किसका? जंगल कलाम, जंगल कलाम नए स्कूल का निर्माण किसने किया है? तो वो किया है जनगण सिंह श्याम ने। जंगल कलाम स्कूल के निर्माता कौन है? जनगण सिंह श्याम जी। ठीक है ना, और जो जनगण सिंह श्याम जी हैं, ये अपने चित्रकार मतलब अपनी चित्रकारी करने के लिए रंगीन डॉट्स लाइन का प्रयोग करते हैं। किनका? रंगीन डॉट्स लाइन का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये जो हमारे जनगण सिंह श्याम जी हैं, ये अपनी चित्रकारी के लिए रंगीन डॉट्स लाइन का प्रयोग करते हैं, और इनकी चित्रकला ने एक नवीन स्कूल का जन्म दिया है, और उस स्कूल का नाम है जंगल कलाम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इनके चित्रों के जो प्राथमिक विषय है, ये गुड़ नहीं है भाई, गोड़ देवता है, गोड़ देवता। इनके चित्रों की जो प्राथमिक विषय वस्तु होती है वो होते हैं गोड़ देवता। कौन कौन से गोड़ देवता है? एक है ठाकुर देवता और एक है बड़ा देव। ठीक है, ये क्या है? ये गोड़ जनजाति के प्रमुख देवता है, और ये गोड़ चित्रकला से इनका संबंध है। और इनकी जो चित्रकला होती है, इनके जो प्राथमिक विषय होते हैं वो होते हैं ठाकुर देव और बड़ा देव। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ भाई 1982 में? कब? 13 फरवरी। 13 फरवरी, थोड़ा सा मैं अगर कंफ्यूज ना हूं तो 13 फरवरी है, पर आप छोड़िए इसको।
1982 में भारत भवन का उद्घाटन किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? भारत भवन का उद्घाटन। और इसके जो डिजाइनर है, भारत भवन ना, भारत भवन के जो डिजाइनर है वो है चार्ल्स कोरिया। कौन है? ठीक है ना। तो ये जो भारत भवन है, जब इसका उद्घाटन किया जा रहा था 1982 में, इसी भारत भवन के जो डिजाइनर है वो चार्ल्स कोरिया है। तो जब भारत भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, तो इस उद्घाटन समारोह में जंगल, जो जनगण सिंह श्याम है, इनके चित्रों को क्या किया गया था? प्रदर्शित किया गया था पहली बार। ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बताया है, जो भारत भवन है, भारत भवन की स्थापना कब हुई थी या फिर इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। इसके चित्रकार, इसके जो डिजाइनर है वो कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। और इसके उद्घाटन समारोह में किसके चित्रों की प्रदर्शनी की गई थी पहली बार? तो वो थे हमारे जनगण सिंह श्याम जी। ठीक है। अब क्या है, इन्हें सम्मान दिया गया है, इन्हें सम्मान दिया गया है, शिखर सम्मान। कब दिया गया है? 1986 में। आपको यह याद रखना है कि जनगण सिंह श्याम जी को 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनकी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका जो देहांत हुआ था, वो था मिथिला संग्रहालय, जो कि जापान में स्थित है, 2001 में। ठीक है। तो मिथिला संग्रहालय कहाँ है? जापान में। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जनगण सिंह श्याम से याद क्या रखना है। जनगण सिंह श्याम आपको याद क्या रखना है, इनकी शैली याद रखना है कि गोड शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। दूसरा याद रखना है, जंगल कलान स्कूल के निर्माता हैं। ठीक है। और इनका जो केंद्र बिंदु, इनके जो चित्र का केंद्र बिंदु होता है, वो गोड देवता होते हैं। ठीक है। आप सम्मान याद रख सकते हैं, सम्मान वैसे नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी मृत्यु, क्योंकि मिथिला संग्रहालय देख के आप इंडिया की कोई स्थान लगा सकते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जापान में। कब हुई थी? 2001 में। ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? भाई ये थोड़ा सा बोलने में गलती हो जाती है, क्या होता है कि हम पढ़ाते हैं लगातार, तो थोड़ा सा मतलब बोलना हम वही चाहते हैं पर थोड़ा सा मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, है ना। पढ़ाने में क्या होता है, एक लय बन जाती है, तो वहां पे थोड़ा सा कुछ ह्यूमन एरर्स के कारण वो थोड़ा मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं, है ना। जैसे कि मकबूल फिदा हुसैन जी का था, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, बोल दिया था। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपको यहां तक समझ में आया? भाई ये कुछ मुख्य विशेषता है जनगण सिंह श्याम जी की, ये कुछ मुख्य विशेषता है। जैसे कि जनगण सिंह श्याम का संबंध किस चित्रकला से है? तो गोड चित्रकला से है। जंगल कलाम स्कूल के निर्माता कौन है? तो जनगण सिंह श्याम जी है। ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो मिथिला संग्रहालय में किसकी मृत्यु हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनगण सिंह श्याम जी की। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आपको ये याद रखना, एक छोटे से जो चित्रकार, मतलब कि एक ये छोटे, मतलब कि ये सिर्फ दो ही पॉइंट है इसमें, पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये इसका संबंध किससे है? तो ये जो शेर सिंह भबोरा साहब हैं, भाबोरा, शेर सिंह भबोरा, इनका जो जन्म हुआ था झाबुआ में हुआ था, इनका संबंध किससे है? भील समुदाय से इनका संबंध है। और इनका ये भीली चित्रकार हैं। क्या ये प्रमुख भीली चित्रकार हैं? ठीक ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए शेर सिंह भबोरा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है भीली चित्रकला से। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कभी नाम आ जाए तो आप याद रखिएगा इसे, शेर सिंह भबोरा। ठीक है। ये प्रमुख भीली चित्रकार है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? झाबुआ में। ठीक है। अगले जो हमारे चित्रकार हैं, ये हो जाएंगे हमारे भज्जू श्याम सिंह। भज्जू श्याम क्या है हमारे? भज्जू श्याम जी ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं, गोड शैली के चित्रकार हैं, ये याद रखिएगा। इनकी शैली कौन सी है? गोड शैली के चित्रकार हैं। ठीक ना। इन्हें 2018 में क्या दिया गया? पद्मश्री सम्मान। ठीक है। तो आप हमें हमने क्या देखा, जो भज्जू भज्जू श्याम जी है, ये क्या है? ये प्रमुख गोड़ चित्रकार है। क्या है? ये गोड़ चित्रकार है। और इन्हें 2018 में, कब? 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आपको ये याद रखना है, इसके जो पिछले वाले जो हमारे थे, कौन थे? शेर सिंह भबोरा साहब। जो शेर सिंह भबोरा साहब थे, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो भीली चित्रकला से था। वहीं पर जो भज्जू भज्जू श्याम जी है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा हमारा
गोड़ चित्रकला से। वही जो हमारे जनगण सिंह श्याम जी थे, इनका संबंध किस चित्रकला से है? इनका संबंध भी गोड़ चित्रकला से है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पेमा फालिया और भूरी बाई का संबंध किससे है, पेमा फालिया और भूरी बाई का संबंध किससे है, भीली चित्रकला से है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करके हर एक चीज को अलग अलग आपको अपने माइंड पे रखना है, ठीक ना। और इसे आप एक एक साइड लिख सकते हैं, जैसे कुछ गोड़ चित्रकार हैं और कुछ भील चित्रकार हैं, अभी ये दो मिले हैं ना हमको। तो भील में क्या मिले, पेमा फालिया साहब मिले, भूरी बाई मिली, ठीक है। उसके बाद आप शेर सिंह मिले, ठीक है। वहीं पर आपने यहाँ पे कौन कौन मिला, गोड़ में क्या मिले, कौन कौन मिल गया, जनगढ़ सिंह जी मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मिले भज्जू श्याम जी मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आप अभी आपको मिलेंगे दुर्गा बाई व्योम, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अलग अलग इन चित्रकारों को कर सकते हैं कि कौन गोड़ जनजाति से संबंधित है, कौन भील चित्रकला से संबंधित है। इससे आपके माइंड में क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन नहीं होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। शायद यहां पर दुर्गा बाई जी को शामिल नहीं किया है ना। और ये मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी है, जिसे मैं अगली क्लास में आपके सामने लूंगा, क्योंकि अभी समय ज्यादा हो चुका है। और हम दुर्गा बाई जो व्योम जी हैं, दुर्गा बाई व्योम जिनका संबंध, इनको भी मैं यहीं पे बता देता हूं, है ना। जो हमारी जो दुर्गा बाई व्योम, ये प्रमुख क्या है, ये गोड़ चित्रकार हैं। क्या ये प्रमुख गोड़ चित्रकार हैं? इनका जन्म हुआ था मंडला में, जन्म कहाँ हुआ था, मंडला में। और 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये तीन पॉइंट है, ये याद रखना है। इस बार के MPPSC के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक ना, कि दुर्गा बाई जो व्योम, इनका संबंध किस चित्रकला से है, तो गोड़ चित्रकला से इनका संबंध था, ठीक है ना। तो यहाँ पे दुर्गा बाई व्योम भी कंप्लीट होती है। हम अगली क्लास में हम अपने देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी, ठीक है। यहां तक किसी को, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, रिया जी जो आप बोल रही हैं मंडला में है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, मंडला में है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा रिया जी। बाकी मैं आपको अगली क्लास में इसे बताने की कोशिश करूंगा, पर ये मंडला में ही है, ठीक है, ये मंडला में ही है, एक बार आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप सही हो, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, सॉरी यहाँ पे मेरे बताने में कोई गलती हो गई हो, पर ये मंडला की है मुझे अच्छे से याद जहाँ तक आ रहा है, ठीक है। आपको मैं अगले लेक्चर में भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के हम यहाँ पे अपनी एक क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगली जो हमारी क्लास होगी, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो रंगकर्मी हैं और मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जो संगीतकार हैं, इसके ऊपर हम अगली क्लास लेंगे, जो अगली क्लास जो हमारी कल होगी, ठीक है। इसकी जो पिछली क्लास थी, इसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व को देखा था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिए मुझसे, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप PDF की बात कर रही हैं, ये PDF आपको,
ये पीडीएफ आपको मैं सर से बात करूंगा, ठीक है? उसके बाद हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, जहां से ये आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, ठीक है? और जो हमारी जो अगली क्लास होगी, मैंने आपको बता ही दिया है, कल हम फिर मिलेंगे आपको शाम को 8 बजे, ठीक है? ठीक है, तो हम इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे इस पीडीएफ को, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।